तो कैसे आप लोग लोग तब तो हे गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज फिर से लेके आ गए हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो। गाइज आज की वीडियो में हम लोग रेफरल टिकट ओपन करने वाले हैं। रेफरल टिकट में इस बार मार्स शैडो आया, तो मार्स शैडो मेरे पास शायद पहले से ही है, मैंने चेक करा था। गाइज ये देख सकते हो मार्स शैडो मेरे पास पहले से ही है, लेकिन मुझे रेफरल टिकट किसी और चीज़ के लिए मुझे खोलना था। मुझे गिराटिना का इवोल्यूशन स्टोन चाहिए था गाइज, तो रेफरल टिकट खोल करके मैं गिराटिना का स्टोन तो रेफरल टिकट से यूज़ करके मुझे गैचापोन पॉइंट मिल सकता है, एंड गैचापोन पॉइंट से मैं यहाँ से गिराटिना भी ले सकता हूँ, एंड यहाँ से मैं गिराटिना ले सकता हूँ। मेरे पास 44 है और मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़े बहुत चाहिए, उसके बाद मैं गिराटिना को इवॉल्व कर सकता हूँ। एंड भाई यहाँ से आप लोग ये सब के भी इवोल्यूशन स्टोन ले सकते हैं, जैसा कि भाई काइगरे का इवोल्यूशन पहले नहीं मिलता था लेकिन यहाँ से मिल रहा, वो भी बहुत ज़्यादा सस्ते में। गाइज मतलब 50 आपको चाहिए तो गाइज 2000 पॉइंट में मिल जाएंगे। आई नो बहुत लोगों के लिए करने के लिए बहुत दिन लग जाएंगे, लेकिन भाई एटलीस्ट मिल तो रहा है। एंड चलिए बाकी और तो कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस वही गैचा पॉइंट के लिए ही मैं ओपन कर रहा हूँ। एंड मैंने कहा था कि मैं वो खरीद लूँगा $5 वाला, लेकिन वो मैं नहीं खरीद पाया क्योंकि भाई पैसे नहीं है इसीलिए। तो 206 है, तब भी भाई 206 बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उसी से हम लोग करके देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल 10 टाइम्स करके देख लेते हैं क्या मिलता है। सॉरी मैंने स्किप करना भूल गया था। एंड यहाँ पर भाई देख सकते कुछ नहीं मिला, अच्छा तो फिर से एक्सचेंज 10 टाइम्स करके देख लेते हैं। एंड यहाँ पर गाइज हमें रेस्ट मिल चुका है जो कि फ़ायदेमंद है। रेस्ट मेरे पास पहले से है, लेकिन यहाँ से मैं एटलीस्ट टेक्निकल मशीन से रेस्ट ले सकता हूँ। उसके बाद आर्च एनर्जी भी मुझे मिल चुका है। भाई यहाँ पर मेरे पास इस वाले आईडी में आर्च एनर्जी उतना ज़्यादा नहीं है, तो आर्च एनर्जी मुझे चाहिए। एंड यहाँ पर फ्लेम चार्ज मिल चुका है, वो भी सही है भाई, फ्लेम चार्ज भी मुझे काम की चीज़ मेरे को मिल चुकी है। भाई जितना भी फ्लेम चार्ज वगैरह मिले या फिर जितना भी TDMs वगैरह मिले, तो वो सबको मैं मतलब रिडीम करके TDMs ले सकता हूँ। एंड भाई यहाँ पर भाई पोकेमोन तो यार मैं क्या ही बोलूँ, मेरा लक इतना ख़राब है, मुझे कोई सा भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे कोई अच्छा पोकेमोन मिल जाए, इसीलिए बस ऐसे ही खोल रहा हूँ मैं फटाफट। एंड रेकोजा फ्लूट में बस सिर्फ और सिर्फ 13 है, एंड बाकी कैसे सब बेकार ही मिला है। एटलीस्ट भाई मुझे यहाँ से अगर प्लेट्स मिल जाए तो बहुत ज़्यादा ऑसम रहेगा, एंड मिथिकल मेगा स्टोन्स मिल जाए, जो कि मुझे यहाँ पर 6 मिल गया है। देखो मेरे पास 106 ही है, तो मिथिकल मेगा स्टोन बहुत ही ज़्यादा चाहिए मुझे। और तो देख लेते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा अच्छा नहीं मिला गाइस। और गाइस 10 टाइम्स और कर लेते, देखते हैं हमें क्या मिलता है। भाई मुझे दो चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा चाहिए, एक तो सबसे पहला भाई प्लेट्स मिल जाए, एंड दूसरा मुझे मिथिकल मेगा स्टोन्स मिल जाए। पर भाई ये दोनों मिलना उतना आसान नहीं है, मिथिकल मेगा स्टोन्स बहुत ही कम मिलेगा। अभी मुझे 6 मिला भाई, 6 ही मिला, 16 मिल जाता तो कितना सही रहता। तो और तो भाई मूव्स वगैरह दे रहे हैं, तो मूव्स थोड़े काम किए हैं। एंड बाकी के भाई ये दिए ये लोग, पर लो क्लास रेट दिया है भाई, मीडियम क्लास तो एटलीस्ट दे दे। इलेक्ट्रिक आइस एंड पॉइजन, तो ये थोड़ा काम का हो सकता है भाई। प्लेट्स तो हर प्लेट काम का यार, प्लेट्स बहुत ही ज़्यादा चाहिए। मेरा लेवल 7 का बहुत, इसमें लेवल 7 का मेरे पास पहले से ही आर्च प्लेट है, सॉरी आर्च है लेवल 7 का, लेवल 8 का प्लेट है, लेवल 9 का मतलब लेवल 9 तक तो नहीं जा सकता, लेवल 8 तक ही मैक्स है। तो एटलीस्ट मैं सारे के सारे लेवल 8 का अगर मैक्स कर लूँ तो भाई मेरे पास मैक्स हो जाएगा। एंड यहाँ पर भाई ड्रैगन बग एंड फेरी मिला, जो कि सही है, ये वाला प्लेट मेरे को चाहिए था, पर ये लो क्लास है। हाई क्लास तो भाई मिलना क्या ही बोलूँ, इम्पॉसिबल जैसा है, मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, लोगों को मिला भी है, मुझे भी खुद बहुत ही बार मिला है, लेकिन भाई बहुत ही कम रेट में वो लोग मिलता है। देख लेते क्या क्या मिलता है। एंड यहाँ पर सब बेकार मिल रहे हैं। एंड भाई मेगा श्रेट्स यार, मेगा श्रेट्स मेरे पास बहुत ही ज़्यादा है भाई, मिथिकल मेगा श्रेट्स दे दे तो ज़्यादा सही रहेगा। एंड यहाँ पर फिर से कुछ नहीं मिला, एंड फिर से टेंडेंस करके देख लेते हैं कुछ अच्छा मिल जाए। एंड भाई 500 आर्च एनर्जी, जो कि सही है, मेरे पास देख सकते हो आर्च एनर्जी ज़्यादा नहीं है, 121,000 ही है सिर्फ और सिर्फ। तो भाई 121,000 बहुत ही लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन मेरे लिए उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि भाई हाई लेवल में इतना कम मतलब इतना कम आर्च लेके कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा चाहिए। इवन मेरे पास यूलिए के अकाउंट में 15 लाख है, लेकिन वो भी कम है गाइज, वो भी मतलब
सोचो अब उतना भी कम है तो भाई कितना ही ज़्यादा चाहिए। एंड देख लेते हैं आगे क्या मिला भाई। रेड स्टोन जो होता है या फिर प्राइमोंडल स्टोन होता है, रेड मिथिकल मेगा स्टोन, शायद मेगा स्टोन है वो, तो वो मिल जाए या फिर प्राइमोंडल स्टोन भी मिल जाए तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा यार। वो सब मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, उसके लिए ज़्यादातर टॉपअप ही करना पड़ता है, वरना भाई आर्च आपको बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो भाई अभी तक तो हमें कुछ उतना बढ़िया नहीं मिल रहा भाई। ये फ्लाइंग स्टोन सिर्फ और सिर्फ एक दे रहा है, एटलीस्ट दे तो 10 दे, 15 दे, 20 दे भाई, इतना कम कम दे के क्या ही फ़ायदा उसके। तो भाई हाइड्रोबॉम मिल चुका है जिससे कि मुझे 24 टीडियंस मिल जाएंगे एंड इवन मूव फोकस मिल जाएगा। एंड हमें लो क्लास फिर से बक फेरी एंड ड्रैगन टाइप मिल चुका है। एंड यहाँ पर 20 गैचापॉन पॉइंट मिल रहा है, वो भी ज़्यादा सही है गाइस। एंड बाकी के तो सब बेकार है। ओ भाई मैंने क्या यूज़ कर लिया, ओ भाई मैंने सारे के सारे यूज़ कर लिए क्या, देख लेते हैं। एंड यहाँ पर हमें 2 मीडियम क्लास प्लेयर्स मिल चुका है, देखते हैं क्या क्या चीज़ का मिला है। एक तो गाइस हमारे पास इलेक्ट्रिक आइस पॉइजन मिला है एंड एक वाटर फायर ग्लास, तो वाटर फायर ग्लास तो हमें नहीं चाहिए। एंड हमने कुछ डायमंड मुझे लग रहा है मैंने खर्चा कर दिया, पर कोई ना। एंड देख लेते हैं यहाँ पर भाई, हाँ लिमिटेड इवोल्यूशन कोर, इसे कैसे यूज़ करना है वो मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, पिछले वाले रेफरल टिकट जब मैं ओपन करता तब मैं आप सभी को बता दिया था, तो उसी तरह से आप यूज़ करना। एंड दूसरी बार में देख लेते हैं क्या मिला भाई। रोटम स्टोन्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पिछली बार का भाई जो मैंने खोला था आप लोग उसे ज़रूर जाके चेक करना भाई, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो, मतलब इम्पोर्टेंट तो नहीं बोल सकता, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ उधर समझाया था। तो आप लोग प्लीज़ जाके चेकआउट करना वो वाला वीडियो, एंड आप लोग को उधर थोड़ा ज़्यादा ज्ञान मिलेगा आपको। अगर आपको वीडियो देखने का मन नहीं तो डायरेक्ट लास्ट में स्किप कर देना, मैंने बहुत ही चीज़ बताया है। एंड देख लेते ईमेल में हमें क्या क्या मिला है। सबसे पहले तो यही सब मिलने वाला भाई, कुछ फ़ायदा का नहीं मिला भाई, यही तो मिला और क्या। एंड पोकेमॉन्स वगैरह तो मैंने सारे के सारे रिलीज़ कर दिया, बैग में जाके देख लेते हैं। तो सबसे भाई हमें तो ये देखो ये वाला कोर भाई, इसे मैं फिर से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आप ये 4 लेना, उसके बाद उसको 4 को रिडीम करना, 3 लेना, 3 को रिडीम करना, 2 लेना एंड 2 को रिडीम करके 1 लेना, एंड उससे आप लोग अपना रोटम बढ़ा सकते हो। एंड भाई देख सकते हो मेरे पास प्लेट्स अभी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो बहुत ही सारे प्लेट्स चाहिए। एंड मैंने रिफिल टिकट बचा के रखा है गाइस, अभी मैं कुछ नया पोकेमॉन तो नहीं लेने का फिरार में हूँ, बस मुझे रिफिल टिकट बचाना है। एक तो अपने भाई ओरिजिन को इवॉल्व करना है, ओरिजिन इवॉल्व नहीं है, एंड सबसे पहला तो ओरिजिन को इवॉल्व करना है। सेकेंडली अगर गिराटीना आ जाता है तो गिराटीना को मैं इवॉल्व कर सकता हूँ, तो गिराटीना देख सकते हो इसे मेगा भी मैंने नहीं करा है, मैंने नहीं भाई ये आईडी जिसका था उसने नहीं करा, तो इससे मेगा करके इवॉल्व भी करना है। एंड अभी भाई गिराटीना को अगर इवॉल्व करके एंड उसे कन्वर्ट करके अगर यूज़ करते हो तो भाई क्या ही बोलो, गिराटीना से अच्छा पोकेमॉन मुझे अभी कुछ नहीं लग रहा, मतलब गिराटीना इतना अच्छा हो गया शायद से इस अपडेट के बाद, भाई क्या ही बताऊं। एंड भाई मुझे ये भी चाहिए, अरे कौन सा पोकेमॉन था ये भाई, इसे भी इवॉल्व करना है जो कि 1 स्टार है, 2 स्टार अगर हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। एंड 2 स्टार होने के बाद इसका डिफेंस बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो जाएगा, स्पेशल डिफेंस ऑल तो थोड़ा कम रहेगा, लेकिन ये भाई नीही लीगो की तरह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। एंड अगर ये स्पाइक्स कर ले और उसके बाद स्टील रॉक कर ले तो भाई आगे वाले ओपोनेंट को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा खेलने में, भाई मुझे खुद हो जाता अगर आगे वाला कोई वैसा कर देता है तो। एंड गाइज बाकी के तो और मुझे कुछ बताना नहीं था, बस इतना ही था। तो गाइज आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।